अयोध्या नगरी अब एक ऐतिहासिक पल की गवाह बनने जा रही है। दरअसल 1 फरवरी की रात हजारों किलोमीटर का सफर तय करके नेपाल के जनकपुर से शालिग्राम शिलाएं अयोध्या के कार सेवक पुरम पहुंच चुकी हैं। अयोध्या में शालिग्राम शिलाओं का वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भव्य स्वागत भी किया गया। दरअसल इन्हीं शालिग्राम शिलाओं को तराश कर भगवान राम और माता सीता की मूर्तियां बनाई जाएंगी, जिन्हें राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। आपको बता दें कि ये शिलाएं नेपाल की काली गंडकी नदी से निकाली गई हैं। इसके बाद इन दिव्य शिलाओं की नेपाल के जानकी मंदिर में पूजा की गई, फिर इन्हें 26 जनवरी के दिन भारत के लिए रवाना कर दिया गया और 30 जनवरी की दोपहर को ये शिलाएं भारतीय सीमा के भीतर पहुंची। भारत नेपाल बॉर्डर पर इन शिलाओं को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा था। यही नहीं, देश के जिन जिन इलाकों से ये शिलाएं होकर गुजरी हैं, वहां वहां भारी संख्या में लोग इन शिलाओं के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। भारत में ये शिलाएं सबसे पहले बिहार के गोपालगंज पहुंची और यहां से फिर शालिग्राम शिलाओं को यूपी के गोरखपुर में लाया गया। कुशीनगर से होते हुए ये शिलाएं गोरखपुर पहुंची थी। गोरखपुर में खुद सीएम योगी और अन्य साधु संतों ने इन शिलाओं की पूजा अर्चना की। इसके बाद फिर शालिग्राम शिलाओं को राम नगरी अयोध्या के लिए रवाना किया गया। दरअसल नेपाल से 2 ट्रकों में इन शिलाओं को लाया गया है। इनमें से एक शिला 26 टन की तो दूसरी 13 टन की है।